हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी यूनिक प्रोटीन रिच सब्जी की रेसिपी, जिसको कि बनाना बेहद आसान है और बहुत ही यूनिक तरीके से हमने इसको बनाया है। इस तरीके से अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार बनाएंगे। कैसे इसको बना सकते हैं लंच में, डिनर में, जिसको कि पूरी, रोटी, पराठे, प्लेन राइस, कुलचा, नान, किसी के साथ भी आप सर्व करिए ना, बहुत ही यम्मी लगती है। तो एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए आपको लेना है एक कप के करीब सोया चंक्स, जिसको कि न्यूट्री नगेट्स भी बोलते हैं, सोयाबीन या सोया चंक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले सोया चंक्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो छोटे वाले भी ले सकते हैं। मार्केट में आपको दो वैरायटी मिलेंगी, एक बड़े वाले, एक छोटे वाले, तो आपको बड़े वाले यूज़ करना है। तो ये इसको हमें बॉयल करना होगा। तो बॉयल करने से पहले एक हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको एक मसलिन क्लॉथ लेना है, कोई भी पतला कपड़ा ले लें, इसमें डालें आप 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे चाय पत्ती का हम इस रेसिपी में क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इसको हम इस तरह से पोटली बना लेंगे और उसके बाद में हम जब सोयाबीन को बॉईल करेंगे ना तो इस पोटली को उसके अंदर डाल देंगे। तो पोटली हमने बना ली है, अब देखिए हमें इसको बॉईल करना है। तो सोयाबीन को हम बॉईल करेंगे, इसके लिए आप कोई भी स्टील का भगोना ले लें, बर्तन ले लें और उसमें डालें 2 ग्लास के करीब पानी। पोटली को भी उसमें हम रख देंगे, साथ ही इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे ताकि सोयाबीन बिल्कुल फीकी ना लगे और नमक सोयाबीन के अंदर तक चला जाए। अब ये देखिए 1 कप मैंने सोया चंक्स डाल दिया, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसमें 1/2 कप के करीब सोयाबीन का चूरा भी डाल सकते हैं। अगर आप चूरा डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप सोयाबीन का चूरा डाल दिया। मैंने क्या किया, लगभग 3/4 कप के करीब सोयाबीन लिया और उसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स करते हुए चूरा बनाकर डाल दिया। तो चूरा डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। अब दोनों को हम 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेते हैं। जब सोयाबीन अच्छे से फूल जाएगी, फ्लफी हो जाएगी और इसमें कलर आ जाएगा, इसके बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए इसमें कलर आ चुका है, पोटली का काम खत्म हो चुका है, तो इसको हम निकाल कर हटा देते हैं। इसको हम छान लेते हैं और जो छाना हुआ पानी है उसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सोयाबीन के अंदर की जो भी गंदगी होगी, क्योंकि मार्केट से हम सोयाबीन लाते हैं तो गंदगी भी होती है ऑब्वियसली, तो उसको हम फेंक देंगे। सोयाबीन को थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके हम यूज़ करेंगे। तो सोयाबीन को फिलहाल साइड में रख देते हैं। अब कुछ मसाले यहाँ पर हमें लेने हैं, खड़े मसाले, जिसके लिए थोड़ी सी जावित्री ली है मैंने। 1 बड़ी इलायची है, काली इलायची, 3-4 लौंग है, 7-8 काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 सूखी लाल मिर्चें भी साथ में हम ले लेंगे और इसमें 1 से 2 आपको तेज पत्ते लेने हैं। और ये जो मसाले हैं, सिर्फ तेज पत्ते को छोड़कर सारे मसालों को हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से तवे पर या कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो फ्लेम को लो मीडियम रखें और लो मीडियम फ्लेम पर आप इनको रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए और इसके बाद में इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो मसाले को हमें ठंडा करके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेना है और इसको हम यूज़ करेंगे ना जब सब्जी में, तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए मसाले को भूनकर मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया, इसको हम पीस लेते हैं। अब आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए कढ़ाई में मैंने लिया है लगभग 1 से 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल के गर्म होने पर मैंने 1 चम्मच इसमें जीरा डाल दिया, साथ ही तेज पत्ते डाल दिए। और जीरा अच्छे से भुन चुका है तो हम इसमें डालेंगे 2 बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को आपको बिल्कुल बारीक काट कर डालना है, अगर आप बारीक नहीं काट सकते तो आप इसमें ग्रेट करके डाल दें, यानी कि कद्दूकस करके डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम हाई या मीडियम रखें, प्याज को जलने न दें और लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो प्याज यहाँ पर हमारी भुन रही है तो साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। देखिए मसाला इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है, अगर आप इसको और फाइन पीस लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमने गरम मसाला भून कर पीस कर तैयार किया है ना, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा। तो 1 चम्मच मैंने साथ में ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप फ्रेश भी दोनों को काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से प्याज को भून लें, देखिए प्याज भून चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट कर मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर उनका प्यूरे बना लिया और वो भी डाल दिया। तो टमाटर हमने डाला है तो हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है। तो पहले भी हमने सोयाबीन को बॉयल करते समय नमक डाला था तो सोयाबीन के अंदर ऑलरेडी नमक आ चुका है, इसलिए नमक इस पॉइंट पर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच डाला है, आपको जब भी कम लगे ना तो लास्ट में आप डाल सकते हैं, पर पहले बिल्कुल ना डालें। सारे मसाले को अच्छे से ऑयल छोड़ने तक भूनना है। तो इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो आपको डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधी चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि इसका कलर अच्छा आए और सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी ना बने, क्योंकि देखिए लाल मिर्च तो हमने ऑलरेडी डाली थी और जो गरम मसाला हम इसमें डालेंगे ना बाद में, जो हमने कूट कर पीस कर डाला है, तो उसमें भी लाल मिर्च है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना इस पॉइंट पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी। तो देखिए इस तरह से मसाले को भूनकर तेल छोड़ने तक पका लिया और अब मैंने इसमें सोया चंक्स डाल दिए। सोयाबीन को मैंने हल्का सा दबाकर हाथों से और उसके बाद में उसका पानी डाल निकाल कर और उसके बाद में यूज़ किया है। इसको इसी तरह से हम मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लीजिए इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा, सोयाबीन थोड़ी सी भुन जाएगी ना, सिक जाएगी ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग निकल कर आएगा और बहुत ही सौंधापन आ जाता है। तो इसको इस तरह से 5 मिनट तक कम से कम आप भून लें। तो ये देखिए मसाला इस तरह से भुन चुका है, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं, साथ ही इसको मिक्स करते जाते हैं, भूनते जाते हैं, तो मसाले का टेस्ट भी सोयाबीन के अंदर चला जाएगा। एक बार इस तरीके से आप सब्जी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, सोयाबीन की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगेगी। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो मटन चिकन यानी कि नॉनवेज खाना भी आप भूल जाएंगे। तो एक कप के करीब पानी डाल देते हैं, तो सौते करने के बाद में हमने एक कप पानी डाल दिया, तो मिक्सी के जार में ही मैंने पानी डाल दिया था ताकि उसके अंदर जितना भी टमाटर वगैरह चिपका हो ना तो वो पूरा की पूरा सब्जी में आ जाए, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो ग्रेवी में हमने एक उबाल ले लिया है, तो जब ग्रेवी में उबाल आ गया इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लेकर तवे पर उसको भून लिया और हाथों से क्रश करके इस तरह से मैं डाल रही हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स इस तरह से आप सब्जी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही अलग रेसिपी है। इसका कलर देखिएगा, कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे जिससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत ही कमाल आएगा। तो देखिए सब्जी हमारी उबल रही है और इसको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है, गाढ़ा बनाया जाता है। तो देखिए इसको कलर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड की है। ये आप ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स और बिल्कुल भी स्किप ना करें, डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। तो इसको ढककर मैंने 5 से 7 मिनट तक पका लिया। लगभग 7 मिनट के बाद में देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था, लो मीडियम फ्लेम पर पकाया था। सब्जी हमारी पक चुकी है, बिल्कुल तैयार हो गई है और लास्ट में मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया है इसमें हरा धनिया। पूरा ऊपर अच्छे से ऑयल आ चुका है तो सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, थिक भी नहीं है, थिन भी नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप इसको नान के साथ खाइए, रोज़ों में आप इसको लंच में, डिनर में, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे खा रहे हैं तो पराठे के साथ खाइए, सिंपल रोटी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बनाकर ज़रूर देखें, खाकर ज़रूर देखें और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।